नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। छतरपुर पुलिस अधीक्षक छतरपुर श्री अगम जैन ने अवैध हथियारों रखने वाले आरोपी एवं अवैध हथियार का स्रोत पता कर संबंधित अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। थाना कोतवाली छतरपुर में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी संकट मोचन के पास छतरपुर का अजीज मोहम्मद काफी दिनों से अवैध हथियार खरीदकर क्षेत्र में उनका विक्रय कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह व नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद कुजूर एवं गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 2 मई 2024 को सूचना की तस्दीक करने पर मुख्य आरोपी अजीज मोहम्मद पिता फारूक मोहम्मद उम्र 38 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी संकट मोचन रोड छतरपुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा छतरपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कई व्यक्तियों को जिला खरगोन से अवैध हथियार लाकर उनका विक्रय करना बताया। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला है जहां पर 27 तारीख की एक घटना थी और एक व्यक्ति द्वारा ये बताया गया था कि जब वो नहर की पुलिया पर बैठा था तो दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और वो अपना मुंह बांधे हुए थे और उन्होंने इस पर गोली चलाई फरियादी पर और उसने अपना हाथ अड़ा करके बचा और जो गोली है वो उसके हाथ में लगा। तो थाना प्रभारी राजनगर SDOP खुजरा द्वारा जब इसमें विस्तृत रूप से बहुत सूक्ष्मता से विवेचना की तो प्रथम दृष्टया जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे उसके आधार पर भी और इनसे पूछताछ की तो ये पता चला कि इसका फरियादी का एक साथी है राजेश कुशवाहा, वो अपने साथ में एक कट्टा लेकर के आया था और वो इस व्यक्ति को दिखाने के लिए लाया था। तो जब ये अवैध कट्टे को देख रहे थे तब वो गलती से फायर हुआ और इस व्यक्ति के हाथ में लगा और चूंकि हाथ में लग गया और खुद फंस जाएंगे इस डर से इन्होंने एक गलत कहानी की रचना की और झूठी रिपोर्ट लिखने की पूरी योजना बनाई। तो अभी वर्तमान में जो इसका साथी है राजेश कुशवाहा उससे जो घटना में कट्टा प्रयुक्त हुआ है वो जब्त किया गया है और उसके साथ ही साथ जो व्यक्ति जिसके फरियादी के हाथ में चोट है वो अभी अस्पताल में इलाजरत है, जिसके पास से कट्टा जब्त हुआ है उसको जेल भेजा जा रहा है और भविष्य में सारे एविडेंसेस जुटा करके फॉरेंसिक इत्यादि के जो इन्होंने झूठी रिपोर्ट की है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कुल कितने आरोपी बनाए हैं? इसमें अभी वर्तमान में 2 आरोपी हैं, एक तो जो कट्टा लेकर के आया था और दूसरा भी साथ में ही था कट्टे के साथ में और फिर इन्होंने जो गलत रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके संबंध में जो IPC के अंतर्गत प्रोसीजर है उसको फॉलो करके कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अरविंद गोस्वामी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.